गेआ फ्ही असें कन्नै लेइयां लेई चलियां और असें मजबूर होई गेआ ते एह् कम्म फ्ही असें दोबारा नो मोशन लाना कोई गल्लबात नेईं सुननी। प्रुआ जगीर के पैंच हैं, दो नंबर वार्ड के और जगानू ब्लॉक हमारा। जो हमारी सरपंच हैं वो हमारी एक बात भी नहीं मानती है, हमें जो काम बताए हैं वो कटवा देती है हमारे काम, जो उनको बोलते हैं वो हमारे गांव में जब जाकर बाढ़ में मीटिंग करती हैं बोलती हैं हम आपका पैसा आ जाएगा आठ दिन के अंदर, तो उस काम लगाओ। वो 3 साल हो गए हैं मेरा कोई काम नहीं हुआ उधर। तो ये बताएं कि क्या बीडीसी बीडीओ या जो पंच हैं सरपंच हैं उन्होंने अभी तक कोई मीटिंग ली है आपके साथ कि इस तरह का काम किया जाएगा आपके पंचायत में? हाँ, 4 मीटिंगें की। तो जो मीटिंग में आपके जो काम थे वो काम अभी तक कोई हुआ है? नहीं हुआ है, एक नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं कि वहाँ के जो सरपंच है वो किससे मिले हुए हैं? हाँ, जो चेयरमैन है जगानू ब्लॉक के बीडीओ मैडम है, वो कहती हैं 3 मीटिंगें हुई हैं, उन्होंने कहा 3 मीटिंग में इनको निकाल देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब 4 मीटिंगें कर चुके हैं वो 5 मिनट टाइम दे दिया हमें, 15 दिन के अंदर देखेंगे। तो अगर आपकी मांग नहीं सुनी जाती तो आगे क्या करोगे आप? आगे क्या करेंगे, हम ही निकल जाएंगे इधर से, हमें स्लीपर दे देंगे पंची से, जाओ वो देंगे। मैं पंचायत तालका प्रुआ जगीर ब्लाक जगानू का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संदूर सिंह है। हमारी ये बड़ी समस्या थी कि हमारे गांव की तरक्की हो, लेकिन माननीय सरपंच सुनीता कुमारी हमारी एक भी बात नहीं मानी, ना ही वो हमारे पंचों को साथ लेकर चली, ना ही पंचों से कोई राय ली गई, ना ही पंचों के साथ कुछ सलाह मशवरा किया गया। इसके बावजूद हम पंचायत में 9 पंच हैं, 6 पंचों ने हमने इकट्ठे हुए और सरपंच के खिलाफ नो मोशन किया, हमने एप्लीकेशन दी 22/9/2021 को। उसके बावजूद सेक्रेटरी पंचायत ने वो एप्लीकेशन बीडीओ और बीडीसी चेयरमैन के आगे पेश की और हमारे को वहाँ से नोटिस निकाला गया कि आपकी मीटिंग 25 तारीख को ब्लॉक हेडक्वार्टर जगानू में होगी। हम 25 को आए, उस वक्त सरपंच हाजिर नहीं हुई तो उन्होंने बोला कि आपको 2 मीटिंगें और होंगी और तीसरी मीटिंग में फाइनल कर देंगे। लेकिन दूसरी 1/11 के बजाय 2/11 को हुई, तीसरी 18/11 को हुई, लेकिन कोई कार्रवाई कोई मसला हल नहीं हुआ। जो सरपंच मैडम है वो बीडीओ मैम से और बीडीसी चेयरमैन से मिले हुए हैं, जहाँ तो उन्होंने पैसा खाया है, जहाँ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारा फैसला कल लास्ट डेट थी, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। हमको फिर टाइम दे दिया कि आप जाइए कि आपको 2 हफ्ते का टाइम और देते हैं। इससे ये जो कानून है एक्ट में लिखा है कि इसका फैसला 1 महीने में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मिल व्यक्ति करके या वीडियो में चेयरमैन ने पैसा खाया है सरपंच से या क्या किया ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने कानून की अवहेलना करते हुए हमारा काम नहीं किया। ये बताएं कितने पंच जो है अभी अगर यही हाल रहता है कि आपकी जब सरपंच नहीं सुनता या वीडियो नहीं सुनता तो आगे क्या करने चाहिए? आगे की कार्रवाई हमारी यही होगी कि आगे नहीं कोई सुनता है, हम इसलिए प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर हमारी सुनाई नहीं करते हैं तो हम अपने अहदे से रिजाइन दे देंगे। कितने पंच हैं जो आप अपने अहदे से? हाँ, हम 6 पंच हैं सर। अभी तक कोई डेवलपमेंट का उस गाँव में काम? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारी बाढ़ में, जो हम काम प्रोसेस कर रहे हैं आपके आगे, हमारी बाढ़ में 1 पैसे का काम नहीं हुआ है और सरपंच ने अपनी बाढ़ में 500 मीटर के अंदर किसी भी हेड का पैसा है, चाहे वो PRI का पैसा है, चाहे वो 14-15 FC का पैसा हो, चाहे वो MPLAD का हो या CDF का हो,
उन्होंने कोई भी काम क्या मानते हैं कि बीडी और जो चेयरमैन जो सरपंच है उनकी मिली जुला बिल्कुल इनकी मिली जुली है और इसलिए जो हमारा फैसला नहीं किया कानून की अवहेलना की। कानून में लिखा हुआ है कि तीसरी बार चाहे हमारे को आउट कर दें चाहे वो सरपंच को बाहर करें किसी ना किसी को कोई कोई फैसला देना चाहिए उन्होंने हमारा, इसलिए हम परेशान हैं। तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से लोगों ने आपको वोट दिया था इसलिए वोट दिया था कि जो गांव के जो दूर दराज के गांव हैं जी वहाँ पे पंचायत या दूर दराज इलाकों में डेवलपमेंट हो जी। तो क्या मानते हैं कि इसी तरह का जलखार रहता है तो क्या आप जो जैसे लोगों को यार जीत के भेजा है तो उन लोगों का क्या मतलब रहेगा? देखो यही तो बात है, अभी हम उनको क्या जवाब देंगे, हम कह रहे हैं कि हमारा सुनाई करो, जो अभी अभी दो साल बाकी बचे हैं उसमें हम फिर भी काम करा सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हाल हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सरपंच अपने 500 मीटर के अंदर में उसने 12-13-15 लाख के काम हो चुके हैं, हमने सब कुछ बताया लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। छाव लाल है पंच वार्ड नंबर 3 परुआ जगीर बुलाव हमारा जगाणु है। हमें एक सरपंच के नो मोशन लगाया हुआ था 22 नौ को, तो 3 मीटर हो गई हैं उनकी, अभी तक हमारी 3-4 मीटर हो गई हैं। तो उनका जो कल हमारी मीटिंग हुई वीडियो मैडम के साथ में, चेयरमैन भी साथ थे, सब हमारी पूरी पंचायत के बंदे थे, तो वीडियो मैडम हमारी ये बोलती है कि आपने एलिगेशन जो लगाए हैं इनके ऊपर इसका हमें रिटर्न में देना होगा। तो रिटर्न में दिया हुआ है पहले, कितने बार उनको रिटर्न में देने हैं? हमें एक बार ही देने ना, 10 बार थोड़ा उनको रिटर्न में देने हैं। क्या मानते हैं आपकी क्या वीडियो या बीडीसी या सरपंच मिले हो? सर मिले ही होंगे तब भी ऐसे ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो कितने पंच हैं अभी जो? हम तो 6 पंच हैं, हमारे 6 पंच उनके ऊपर हमें नो मोशन लगाया हुआ है सरपंच के बारे में, तो 20 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई होती है, अभी तो 2 महीने होने लगे हैं, 22 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो कानून का जो उल्लंघन देखो इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि 20 दिन के अंदर अंदर इसका काम होना चाहिए, तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। तो क्या मानते हैं कि किस में मिला जुला असर ये सब तब ही हो रहा है, मिला जुला असर नहीं होता तो काम हो जाता है तक। अभी जो पंचायतों के जो आप पंच गठे हुए क्या आपकी पंचायत में कोई काम हुआ है? क्या काम हुआ है सर, एक एक काम हुआ, मेरी वार्ड में एक काम हुआ फोटरिया से, फोटरिया उसका काम हुआ 1-4 लाख रुपये का, अभी तक 3 साल हो गए हमारी पंचायत बने हुए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस्तीफा देंगे, जो 6 बंदे हम इस्तीफा दे देंगे, हमारी सुनाई नहीं है तो किस लिए हमें पंच रहना उधर। ठीक, थैंक यू।